बस कभी मत आना यहाँ। मैं खुद इतना डर लग रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं है। आगे देखिए, आगे कुछ नहीं है, ये दो जने जा रहे हैं, हम थोड़ा इनसे दूर ही चल रहे हैं, पता नहीं कौन है ये। जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं, इससे मैं हूँ कालका में। एक्चुअली मैं सच बोलूँ आप लोगों से तो मुझे खुद नहीं पता मैं इस टाइम कालका में हूँ या नहीं हूँ। मैं बस से यहाँ आया था। ये देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, मे बी इट्स अ ट्रक, ट्रक है ये। और मुझे खुद नहीं पता मैं इस टाइम कहाँ हूँ, बट मुझे बताया जा रहा है जैसे कि ये सामने स्टेशन है, ये मेरे दो दोस्त खड़े हैं, और इस टाइम हमें खुद इतना डर लग रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं है। और हम लोग, ये देखिए गाड़ी आ गई है सामने से एक, और धुंध इतनी कि हमें ये ही नहीं दिख रहा कि गाड़ी कौन सी है क्या है। ये देखो सिर्फ लाइट जो कैमरे में है सेम दिख रहा है, और ये बिल्कुल लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप बिल्कुल पास आके भी। अब जाके दिखा है कि एक ट्रक है, छोटी छोटी सी दुकानें हैं, ये छोटी सी झुग्गी है, ये यहाँ से बिल्कुल सीधा जाके ये स्टेशन है, ये मेरा दोस्त है। और धुंध देख सकते हैं जैसे कि आप, ये छोटी सी जगह है, ये रेल की पटरी सी पड़ी है साइड में, और देखते हैं आगे चल के देखते हैं। जैसा कि ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए ये रेल की पूरी, शायद कुछ दिख नहीं रहा होगा, अब देख सकते हैं चारों तरफ धुंध है, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको इस टाइम। ये मेरा दोस्त ही हमारी अटैची, और चारों तरफ धुंध, और दूर दूर तक बंदा ना बंदे की जान, कुछ भी नहीं दिखेगा कुछ भी। देखिए दूर दूर तक कुछ नहीं, ये देखिए एक लाइट आई है खंबे की। ये वो जने जा रहे हैं, हम थोड़ा इनसे दूर ही चल रहे हैं, पता नहीं कौन है ये। देखिए थोड़ा सा आगे आते ही हम यहाँ पहुंच गए हैं, ये हमें कोने पे रेल की पटरियां, और ये ऊपर से फ्लाई ब्रिज दिखा है। ये देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है, ये टूटा फूटा सा स्टेशन है, और ये दूर कहीं हमें हल्का सा देख सकते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा सा दिख रहा हो कालका का एक बोर्ड दिखा है। यहाँ तो हमें स्टेशन ही नहीं दिख रहा, ट्रेन तो बहुत दूर की बात है, आगे तो चलने का देखिए कोई फायदा नहीं है क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं है। रेल की पुरानी पटरियां, बस, और यहाँ कुछ नहीं है। अब हम सोच रहे हैं स्टेशन पर बैठे कैसे, क्योंकि दूर दूर तक तो कोई भी नहीं है, और हमारी ट्रेन सुबह 6 बजे की है। तो अब बस इकट्ठे होके बैठेंगे कोने पे, और 3 घंटा वेट करके आगे देखते हैं, बताएंगे आपको क्या होता है। तो जैसे कि गाइस आप सभी ने देख लिया कि कालका का इस वक्त कैसा माहौल हो रखा है, तो साथ ही आपको मेरे भाई ने समझा दिया होगा कि कैसे कैसे माहौल यहाँ का डरावना सा हो रखा है। इस वक्त फिलहाल रात के जैसे कि 3 बज रहे हैं, तो सुबह की हमारी ट्रेन है टॉय ट्रेन, तो धूंध इतनी पड़ रही है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, 20% विजिबिलिटी होगी। सो इस वक्त गाइस मैं खड़ा हूँ कालका के स्टेशन पर, इस वक्त जो है देख सकते हैं आप कालका के स्टेशन पे खड़ा हूँ, और टाइम आपको सामने दिखा देता हूँ अगर दिख जाए, 2:46 हो रहे हैं, 2:46 हो रहे हैं, रात का टाइम है, देख सकते हैं सारा खाली पड़ा स्टेशन, और ये खड़ी अपनी टॉय ट्रेन। सो गाइस सुबह की मेरी ट्रेन है, तो आपको दिखाना था यहाँ कालका का हाल कि क्या क्राउड वगैरह है इस वक्त रात के टाइम। तो खाने पीने की एक कैंटीन तो खुली है जो कि काफ़ी सस्ते में, मतलब ठीक ठाक सामान दे रही है, और बाकी देख सकते हैं कालका का जो मैंने दिखा दिया, और ये खड़ी हमारी टॉय ट्रेन।